हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को समस्त सुख प्राप्त है। अयोध्या में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके राज्य में कोई भी कुटुंब ऐसा नहीं जिसके पास गाय, बैल, धरती और धन धान्य का अभाव हो। नगर में कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास सोने के आभूषण न हो। राम राज्य में यह सब कुछ है महाराज, परंतु क्या? ये सब होते हुए भी प्रजा उत्साहहीन और शिथिल हो रही है। शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांति। कल्याण महाराज राम, आज आपके जन्म दिवस पर मैं आपका ऋत्विज वशिष्ठ चारों दिशाओं के समस्त ऋषियों की ओर से आशीर्वाद देता हूं कि आपका सर्वदा कल्याण हो। आप स्वयं मूर्तिमान धर्म हैं, अतः जहां भी आपके नाम का उच्चारण हो वहां धर्म की वृद्धि हो। महाराज, मैं आपके मंत्रिमंडल और अयोध्या के प्रजा की ओर से आपके जन्मदिवस पर आपका अभिवादन करता हूं। इस शुभ अवसर पर यदि गुरुदेव आज्ञा दे तो मैं वो प्रस्ताव आपके सन्मुख रखूं जो प्रजा के मन में है। आर्य सुमंत्र, जो प्रजा के मन में हो उसे राजा तक पहुंचाना मंत्री का कर्तव्य है, उसके लिए आज्ञा की आवश्यकता नहीं। अरे सुमंत्र, आप जो भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर कहिए। महाराज, आपके राज्य में प्रजा को समस्त सुख प्राप्त है। अयोध्या में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, निर्लोभी, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले हैं। आपके राज्य में कोई भी कुटुंब ऐसा नहीं जिसके पास गाय, बैल, धरती और धन धान्य का अभाव हो। नगर में कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास सोने के आभूषण न हो। राम राज्य में यह सब कुछ है महाराज, परंतु क्या? ये सब होते हुए भी प्रजा उत्साहहीन और शिथिल हो रही है। कारण? महाराज, राजा का यह भी धर्म है कि वो निरंतर ऐसे महान कार्य करता रहे जिससे उसके राजवंश पर प्रजा का गर्व बढ़ता रहे। जहां केवल स्थिरता रह जाती है वहां धीरे धीरे शिथिलता आने लगती है। जीवन और प्रगति के लिए उल्लास आवश्यक है। उल्लास का प्रतीक है उत्सव। जिस राज्य में कोई उत्सव नहीं होता उस राज्य में प्रजाजनों के हृदय बुझे बुझे से रहते हैं। अतः प्रजा का मनोबल बढ़ाने के लिए उत्सवों का होना आवश्यक है। इसीलिए आपके वंश में सदा राजाओं ने समय समय पर दिग्विजय आदि महान कार्य किए हैं, कई प्रकार के यज्ञ किए हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रजा का उत्साह बनाए रखने के लिए कोई ना कोई उत्सव आवश्यक है। महाराज, आर्य सुमंत्र का यही मत है, हम भी उनसे पूर्णतया सहमत हैं।